आइए रूप रुकाते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में नियत्य अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज के बाद पूरे प्रदेश के अंदर आज उबाल देखा गया। लेकर चलेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर की जिला बार संघ और सिविल बार संघ के हजारों अधिवक्तागण आज एकत्र हुए और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया, घटना पर रोष जताया, ज्ञापन दिया। देख सकते हैं किस प्रकार आज सड़कों पर लेट गए, बैठ गए। युवा अधिवक्ता थे, सीनियर अधिवक्ता थे, बुजुर्ग थे और महिला भी थी। सबकी मांग, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त हो कार्रवाई, ऐसी उन्होंने लगातार आज मांग की है। और जिला बार संघ के नेतृत्व में बैनर तले तथा सिविल बार संघ के नेतृत्व में आज पहुंचे थे जिलाधिकारी कार्यालय पर अधिवक्तागण। अधिवक्ताओं ने यहां पर अपनी मांग रखी, आक्रोश देखने को मिल रहा है, जमकर नारेबाजी की है। उसके साथ साथ आप BS मलिक को देख सकते हैं जो कि सिविल बार एसोसिएशन के महासचिव हैं, उन्होंने भी आज जमकर हिस्सा लिया और अधिवक्ताओं के हितार्थ एकजुट का परिचय दिया। यहीं पर अनिल जिंदल जो कि अध्यक्ष हैं जिला बार संघ के, वो भी यहां पर पहुंचे थे, व्यवस्था बनाने की बात कही, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की बात की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम आज एक ज्ञापन दिया है। आइए पहले सुनवाते हैं अनिल जिंदल जो कि जिला बार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मौके पर अधिवक्ताओं को समझाते हुए क्या कहा। सुने पहले अनिल जिंदल जो कि अध्यक्ष हैं, उन्हीं की जबानी। हमारा व्यवस्था बनाने में जरूरी है सहयोग, कृपया सभी हमारे साथी DM ऑफिस से बाहर आ जाएं। DM ऑफिस के बाहर यहाँ पर आकर के CDO साहब हमारा ज्ञापन लेंगे। हम उनको अपना हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी आज छुट्टी पर हैं, जिसका कार्यभार आज CDO संदीप भागिया पर था। और संदीप भागिया जो कि CDO हैं, वो आज ज्ञापन लेने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहले से ही मौजूद थे, पहुंच गए थे। लेकिन अधिवक्ताओं की मांग थी कि SSP कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया जाए, मुख्य मार्गों पर भी प्रदर्शन किया जाए। बामुश्किल उनको समझाया गया, आक्रोश ज़्यादा देखा गया, लेकिन उसके बाद समझाया गया जिला बार संघ के अध्यक्ष और सिविल बार संघ के पदाधिकारियों द्वारा, और अधिवक्ताओं ने फिर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है। आइए सुनवाते हैं पहले ज्ञापन में क्या कहा है, पढ़ते हुए जिला बार संघ के अध्यक्ष अनिल जिंदल ने। सुने उन्हीं की जबानी, पूरी कवरेज देखते रहे आप मेरी नज़र और कैमरे की नज़र में। अधिवक्ताओं का ज्ञापन लेने के लिए यहाँ मौजूद है दोनों बार संघों की ओर से संयुक्त रूप से CDO साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन देने से पहले मैं उसको पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे सभी हमारे साथियों को मालूम रहे हमने ज्ञापन में क्या मांगे रखी हैं और क्या शिकायत रखी है। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरविंद मलप्पा बंगारी साहब छुट्टी पर हैं और आज जिलाधीश का चार्ज हमारे CDO साहब के पास है। CDO साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हम मुख्यमंत्री के नाम जो हमने ज्ञापन देना है वो हम CDO साहब को देंगे। मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। सभी साथी शांतिपूर्वक इस ज्ञापन की भाषा को सुन लें और ग्रहण। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, माननीय महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद हापुड़ में एक महिला साथियों शांत रहे, नारेबाजी बाद में माननीय महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद हापुड़ में एक महिला अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया एवं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक आपराधिक मुकदमा उन्हीं पीड़ित महिला अधिवक्ता के विरुद्ध दर्ज करा दिया गया। पुलिस द्वारा की गई इस ज्यादती एवं पद के दुरुपयोग की शिकायत जनपद के उच्च अधिकारियों को करने के पश्चात भी जब अधिवक्तागण को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई थी तो जनपद के अधिवक्तागण ने इस ज्यादती के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का निर्णय किया, परंतु निरंकुश पुलिसकर्मियों ने बिना किसी उकसावे के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अधिवक्तागण पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के लाठी भांजनी प्रारंभ कर दी, जिससे दर्जनों अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। ज्यादती की पराकाष्ठा तब हुई जब पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला अधिवक्ताओं पर भी बर्बर लाठीचार्ज किया। जनपद हापुड़ के पुलिसकर्मियों के इस अवैधानिक लाठीचार्ज से सरकार की साख को भी पट्टा लगा है। पुलिस कर्मियों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे
अधिवक्ताओं पर बिना चेतावनी के इस प्रकार के बर्बर लाठीचार्ज से हम अधिवक्तागण में अत्यंत रोष है। उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया होने के नाते आपसे अनुरोध है कि इस बर्बर लाठीचार्ज का एविलम संज्ञान लेकर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे पंजीकृत कराए जाएं एवं ऐसे पुलिस कर्मियों को पुलिस सेवा से तत्काल बर्खास्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए जिससे सरकार की साख पर आंच न आ सके। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। भाई सामने सामने जोश वो होश वो खरोश खास तौर से जो आज जिला बार संघ और सिविल बार संघ के अधिवक्ता यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि यहाँ पर महिलाएं भी थी, रोष था, खास तौर से लेकर जो घटना हुई थी हापुड़ की और हापुड़ में जो निहत्थे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था उसके बाद पूरा उबाल और निंदा प्रस्ताव खास तौर से युवा हो, बुजुर्ग हो, सीनियर हो, हर अधिवक्ता यहाँ पर आज मौजूद, सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, जिला बार संघ के अधिवक्ता और सबने साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है कि तत्काल दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, यदि एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर मजबूर होंगे और दूसरा बड़ा आंदोलन चलाने के लिए अधिवक्ता। तो आप लगातार वो देख रहे हैं क्योंकि आज जिलाधिकारी छुट्टी पा रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में उनका जो कार्यभार लिया गया था वो सीडीओ के द्वारा लिया गया था, सीडीओ ने ही आज दिया गया है, सीडीओ आज ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। यहाँ पर अनिल जिंदल जो कि अध्यक्ष हैं, जितेंद्र सिंह जो कि महामंत्री है और बीएस मलिक सिविल बार से महासचिव तथा वहाँ से अनिल दीक्षित जो कि अध्यक्ष हैं, दोनों बार के सभी अधिवक्ता, सैकड़ों अधिवक्ता का वो फौज, वो जोश, वो निंदा, वो खरोश खास तौर से आप देख सकते हैं क्योंकि अपने अधिवक्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें किसी भी रूप में कोई अधिवक्ता चुप होने की स्थिति में नहीं है। पूर्व से पश्चिम तक, तहसील से जिले तक, हाईकोर्ट से बार काउंसिल तक, हर जगह अधिवक्ताओं के अंदर रोष है और मांग की जा रही है कि तत्काल हो लिया जाए संज्ञान, पुलिस कर्मियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, ऐसी मांग आप देख सकते हैं। और मजीद जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ आरिफ चेचवेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। और जैसे कि विगत दिवस ही घोषणा कर दी गई थी, निंदा प्रस्ताव जारी कर दिया गया था तथा 30 अगस्त को धरना प्रदर्शन ज्ञापन की घोषणा दोनों बार द्वारा कर दी गई थी। आप देख सकते हैं कि आज जिला बार संघ के सदस्य तथा सिविल बार संघ के सदस्य अपने हाथों में अपनी बार का बैनर लेते हुए एकजुट हुए, एकत्र हुए। आप देख सकते हैं महासचिव जो कि सिविल बार एसोसिएशन के बीएस मलिक हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके अलावा अनिल दीक्षित जो कि अध्यक्ष हैं, सिविल बार के पदाधिकारी तथा सदस्य भी जिला बार की ओर कूच कर रहे हैं। खिलाफ धरना प्रदर्शन का आज का हमारा कार्यक्रम दिया हुआ है। यूपी बार काउंसिल के द्वारा आउट की गई इस न्यायिक कार्य सिविलत रहने की कॉल पर आज सभी अधिवक्तागण, सिविल बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण आज न्यायिक कार्य सिविलत रहते हुए और ये अमानवीय बर्ताव जो किया गया है पुलिस के द्वारा हमारे अधिवक्ता साथियों पर, उसके विरोध में आज अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जो प्रेषित कर रहे हैं और उसी के विरोध स्वरूप आज सभी लोग इकट्ठा होकर अपने धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सिविल बार एसोसिएशन के जो मीटिंग हॉल है वहां से एकत्र होकर ये अधिवक्तागण जिला बार संघ की ओर पहुंचे थे। देख सकते हैं सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं और काफी संख्या में अधिवक्तागण आज पहुंचे हैं जिला बार संघ के साथ एकजुट होकर। जिला बार संघ और सिविल बार संघ के अधिवक्ताओं ने जब ज्ञापन दे दिया जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच के बाद तो अधिकांश अधिवक्ताओं ने फिर से मांग की कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी जाया जाए, इसके अलावा प्रकाश चौक तथा दूसरी जगह जाया जाए, लेकिन
अधिवक्ता देख सकते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय भी पहुंचे, अपना आक्रोश जताया, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई ऐसी उन्होंने यहां जाकर भी मांग की। देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय है जनपद मुजफ्फरनगर का, वहां भी भारी संख्या में आज जनपद मुजफ्फरनगर की जिला बार और सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण पहुंचे थे और यहां पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से उन्होंने अपना आक्रोश जताया, मांग की कि हर हाल में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये उनका आक्रोश है और इसमें वे भी उनकी मदद करें। देख सकते हैं वो तस्वीरें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी प्रदर्शन करते हुए आज जनपद मुजफ्फरनगर के जो जिला बार तथा सिविल बार के अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर भी पहुँचे थे और इसके बाद आप देख सकते हैं बीएस मलिक जो कि महासचिव है उनके नेतृत्व में प्रकाश चौक से फिर कचहरी तक पहुँचे हैं अधिवक्तागण। देख सकते हैं और जोश और वो देख सकते थे, खास सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचे, जिला बार संख्या और खास तौर से यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर। सबसे बड़ी बात और आज जैसे कि जिला बार के अध्यक्ष ने भी की कि कुछ पुलिसकर्मी धूमिल करना चाहते हैं सरकार की छवि, इसमें सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की है। आज वार्ता करते हुए पत्रकारों से क्या कहा अनिल जिंदल ने, सुने उन्हीं की जबान। उनके साथ एक कॉन्स्टेबल ने बदतमीजी की थी और उल्टा उन्हें रेलवे एडवोकेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। उसके बाद वो जब वहाँ एडवोकेट इकट्ठा होकर के उच्चाधिकारी के पास गए, उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। जब वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला तो उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन प्रारंभ किया। कोई गुस्से वाली कार्रवाई नहीं थी, ना किसी प्रकार का कोई हिंसा कर रहे थे। अचानक ही पुलिस वालों ने वहाँ जा करके अधिवक्ताओं पर लाठियाँ भागनी शुरू कर दी और हमको ये हुई कि जो लेडी एडवोकेट्स थी उनके ऊपर भी पुरुषों ने लाठियों से बुरी तरह प्रहार करके उन्हें घायल किया। इस घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। इस तरह की बर्बर कार्यवाही की हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उत्तर प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि जिन पुलिस वालों ने इस तरह की बर्बरता की है उनके खिलाफ तत्काल मुकदमे कायम किए जाएँ, उनको सेवा से टर्मिनेट किया जाए और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। नहीं तो पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पर ही प्रसन्न चीन इन पुलिस वालों की इस एक्शन लगा है और इसको सरकार को देखना चाहिए। क्या आज की आज के उनकी कॉल के आधार पर हमने आज प्रदर्शन किया है, अगर उनकी कॉल भविष्य में भी आएगी प्रदर्शन। अभी आपने देखी विस्तृत रिपोर्ट और पूरे प्रदेश के अंदर उबाल है अधिवक्ताओं के अंदर, निंदा प्रस्ताव जारी है, ज्ञापन दिए गए हैं। बहरहाल अब सरकार को आगे आना चाहिए, दोषी कोई भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि पूरी तरह से मांग की गई है कि दोषी पुलिसकर्मियों को मिले सख्त सजा। बने रहिएगा और बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।